दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं आज आपके सामने दोस्तों खड़ा हूँ और बस 5 मिनट के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है लीज वर्सेस बाइंग प्रोजेक्ट फाइनेंस का। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को कहाँ पे दिया है। सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, ऑन द सेम बेसिस उन्होंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में इस सब्जेक्ट को डाला है, इस चैप्टर को डाला है। तो दोस्तों आज मैं अपनी चर्चा शुरू करूं, उससे पहले मैं एक बात आपको मैंने लिखी आपके सामने, मैंने लिखा है हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम जो चाहते हैं बिल्कुल वही कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बात तो हमें पता ही है, वी आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहें तो यू कैन चेंज योर लाइफ टू पॉजिटिव वे, और बेटा नेगेटिव करना चाहें तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, और अगर हम डिप्रेशन में जाना चाहें तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। जो आपकी मर्जी है, भगवान ने आपको पूरी खुली छूट दी है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको सच में लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बेटे हमें पॉजिटिव सकारात्मक की तरफ सोचना है, हमें सकारात्मक पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है। नेगेटिविटी डिप्रेशन आ जाता है जब हमें लगता है कि बस यही लाइफ है, सुबह जा रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, ये पेपर दे रहे हैं, जिंदगी बीतती जा रही है। बेटा नहीं, ये विचार आएंगे, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लाइफ में पेशेंट रहते, पेशेंस से काम करते हैं, सब्र से काम करते हैं, और तभी लाइफ में आगे उनको जीत मिलती है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे एक बात ये करना चाहता हूं कि हमने आज एक चैप्टर का मैं जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटे उसका नाम है प्रोजेक्ट फाइनेंस। मैं रिपीट करता हूं, प्रोजेक्ट फाइनेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 ओल्ड सिलेबस में भी था और सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप स्कीम में भी है। और बेटे प्रोजेक्ट फाइनेंस को अगर आप देखें तो मैंने इसके तीन हिस्से किए हैं। कुछ पार्ट मैंने इसका बेटे कैपिटल वेडिंग में समझाया, कुछ पार्ट जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैंने समझाया कि क्या स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए कैपिटल बजटिंग में चैप्टर 2 में, कुछ पार्ट मैंने इसको चैप्टर 3 फाइनेंशियल डिसीजन में बताया। बेटे आज जो पार्ट बच गया मैं उसको चैप्टर 5 में ही करा रहा हूं। लेकिन बेटे मैंने ना क्या किया, चैप्टर 5 के 2 हिस्से कर दिए। सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 के लिए मैंने इसके 2 हिस्से 2 पार्ट्स कर दिए, और 2 पार्ट्स में मैंने एक पार्ट रखा 5A, उसमें तो मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस लिया क्योंकि बेटे उसमें कुछ प्रैक्टिकल था, तो मैंने 5B अलग ले लिया, लीज वर्सेस परचेज, हायर परचेज, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, बेटे EMI एक मूवी भी आई हुई है। तो क्योंकि आजकल का जमाना क्रेडिट कार्ड का, आजकल का जमाना डेबिट कार्ड का, आजकल का जमाना हायर परचेज का है, आजकल का जमाना लीज का है, तो मैंने इसलिए उसके ऊपर प्रैक्टिकल को अलग से लिया। तो बेटे मेरे हिसाब से पहले आप एक बार रजिस्टर खोल लें, आप देखेंगे इस चैप्टर 5 में एज पर इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट फाइनेंस में प्रोजेक्ट फाइनेंस बहुत बड़ा सा दिया हुआ, आप चेक करिए। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे प्रोजेक्ट फाइनेंस में अलग अलग चीजें दी हुई है, जैसे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, कहाँ गया बेटे, मैं एक सेकेंड में मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ और आप चेक करेंगे कि वो एक्चुअली में हमारे इंस्टीट्यूट ने कहाँ पे दे दिया है। लो जी, मैं फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को खोल दिया मैंने, और बेटे आपके सामने मैं अभी प्रोजेक्ट फाइनेंस को चैप्टर 5 को आपके सामने दिखाऊंगा और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी है। थोड़ा सा मैं स्टडी कंटेंट में जाऊँ, लेसन वाइज समरी के बाद मैं आ गया जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंडेक्स में बिल्कुल इंडेक्स में आ गया। अब इंडेक्स में देखें तो इन्होंने चैप्टर 5 लेसन 5 में बड़ी सारी बातें मेंशन की है एज पर इंस्टीट्यूट, तो उसकी कुछ बातें मैंने लेक्चर 2 में ले ली है, कुछ बातें मैंने चैप्टर 2 में ले ली कैपिटल बजटिंग के साथ, कुछ बातें मैंने बेटे फाइनेंशियल डिसीजन में ले ली, और जो बातें रह गई उसको मैंने
अपने अपने सेपरेट चैप्टर प्रिपेयर किया और उसमें प्रिपेयर किया जैसे व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, व्हिच इज व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग, फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिपोर्ट मैंने बनाई कैपिटल वेटिंग में, प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देने से पहले प्रोजेक्ट को अप्रेज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक अप्रेजल करते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया फाइनेंशियल डिसीजन में, फिर बेटे मैं सीधा लेके चल रहा हूँ लीज फाइनेंस की तरफ। ये देखिए लीज फाइनेंस, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, हायर परचेज, बेटे ये सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसलिए मैंने इसी स्टडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, बेटे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देखो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो बेटे मैंने लिखा 5A और एक मैंने बनाया 5B। 5A में मेरी बुक थी, मैं अपनी बुक की बात कर रहा हूँ इसमें, बेटे 5A में मैंने कुछ कंसेप्ट लिखे, लगभग लगभग 12-13 कंसेप्ट हैं जो मैंने लिखे 5A में। ये देखिए बेटे बड़ी मेहनत की, आपको क्या बताऊँ कि कितनी मेहनत हुई इसके पीछे। 5A, 5 के दो पार्ट्स बनाए, पार्ट ए प्रोजेक्ट फाइनेंस, पार्ट बी लीज वर्सेस हायर परचेज, और कंसेप्ट में मैंने 12 कंसेप्ट दिए बेटे, सारे यहाँ पर आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस दिए और अलग से 5B बनाया लीज वर्सेस बाइंग का। एक बच्चा कहता सर आगे बताओ क्या कहना क्या चाह रहे हैं, बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत करना कि मैंने अगर कई बार CS प्रोफेशनल बोल दिया। बेटे जो पार्ट कॉमन था मैंने वहीं से लिया, बाकी मैंने लेटेस्ट ऐड किया, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऐड किए, तो आपको बेसिकली कंसेप्ट समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इसी तरह से अगर आप ध्यान से इस बात को देखेंगे तो मैंने लिखा जी इंस्टीट्यूट ने कौन सी स्टडी में दिया, मेरी बुक में कौन सी स्टडी में, लेसन 5 है प्रोजेक्ट फाइनेंस, लेसन 5 भी लीज वर्सेस बाय। कंसेप्ट 5A प्रोजेक्ट फाइनेंस में जैसे अभी अभी दिखाया मैंने कि देर आर 12 कंसेप्ट है बेटे, 12 कंसेप्ट है, थ्योरी क्वेश्चंस बेटे 14 है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, खाली लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट हैं समझने वाले, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेटे मैंने 50 अप्रोक्सीमेटली दिए। फिर 5B दिखाया बेटे लीज वर्सेज बाइंग डिसीजन हायर परचेज, कंसेप्ट 18 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 किए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 25 किए, लगभग 3-4 लेक्चर में सारा काम हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो उसको पा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना, पहले थ्योरी समझना, उसको रजिस्टर में लिखना, प्रैक्टिकल समझना, भले मैंने कहीं पे सीएस प्रोफेशनल बोल भी दिया हो, तो बेटे इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपको लॉजिक्स कंसेप्ट समझने हैं, सीधा कॉपी पेस्ट मारा उन्होंने, तो इसलिए हम ईमानदारी से चैप्टर्स को करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी।